गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर, मैं आपके यहाँ आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ कि एसएससी जेईएन एग्जामिनेशन के 24 आवर्स पहले अपन को किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, फोकस होना चाहिए। तो मैं उन्हीं बातों पे डिस्कशन करूँगा बेटा कि आपके एग्जाम से 24 आवर्स पहले किन बातों को ध्यान रखें, किन बातों पे आपको कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है और कौन सी चीज़ें आपको करनी है। बस अपन यही बात करेंगे, हम भी रिलैक्स रहेंगे और एग्जाम तो अपन ऐसे भी फोड़ के आएंगे। बेटा देखो, बेटा पहला, कभी भी आप अपने क्लास नोट्स को ओपन नहीं करेंगे। बिफोर 24 आवर्स आप अपने क्लास नोट्स को कभी नहीं देखेंगे कि चलो मैं उससे रिवाइज कर लेता हूँ, वो सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ। नहीं, अपन को बी रिलैक्स रहना, अपन को वो चीज़ नहीं देखनी है, ठीक है। दूसरा जो सेकेंड वन है उस पर ध्यान देना है कि कभी भी आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे बिफोर द 24 आवर्स। एग्जाम से एक दिन पहले आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है। टेस्ट सीरीज वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा अपने पास, ठीक है। बिल्कुल टेस्ट सीरीज लगानी है। अपने सब्जेक्ट को आप 2 से 3 पेज में अपने सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेंगे। फॉर्मूले लिस्ट अपन ने पहले से बना रखी होगी तो हम उसको रिवाइज करेंगे। बस हमें सारा अभी से ये काम देख लेना है कि अपने सारा रिवीजन रिवाइज करना है तो सारे के सारे 2 से 3 पेज में होने चाहिए। ज़्यादा उसमें अपने पास नहीं होना चाहिए कि छोटा सा बुक हो गया और उसमें सारे फॉर्मूले, नहीं। सारे सब्जेक्ट के 2 से 3 पेज मैक्सिमम सारा कंसेप्ट सारे सब कुछ उसमें हो जाना चाहिए आपके पास। आगे बढ़े बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। और मैं ये सब्जेक्ट में भी आपको सिखाता हूँ कि स्ट्रेस फ्री होना जरूरी है। जब अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो यही तो सीखते हैं कि स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जाए। तो अपन कैसे रह सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने दोस्तों के साथ वॉक पे जाओ, मॉर्निंग वॉक करो आप उस दिन। आप उस दिन एक दोस्तों के साथ फूड खाने बाहर जा सकते हो, कुछ लाइट फूड खा के आप बाहर से आ सकते हो। एक कॉमेडियन कपिल शर्मा को देख सकते हो, उससे उसके हंसी ठहाकों के मजे ले सकते हो। अपनी मनपसंद मूवी को यहाँ पे वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। कुछ मोटिवेशनल वीडियो जो भी हो वो आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। और बाबा रामदेव, दैट इज द योगा। योगा इज द मोस्ट प्राइमरी थिंग जो आपको स्ट्रेस फ्री कर सकता है। तो आप एक लाइट योगा कर सकते हो, ठीक है। योगा भी भैया बहुत सारे योगा होते हैं। आप ऐसा योगा करो जो आपको, आपने किया हो बिल्कुल, प्राणायाम करो आप उस दिन, बड़ा काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। पजल, कुछ गेम खेल सकते हो मोबाइल में, ठीक है। लेकिन पबजी नहीं खेलना है बेटा, ठीक है। पबजी इज़ नॉट अ गेम, ठीक है। पबजी नहीं खेला आपने, लाइट एकदम गेम खेला थोड़ा सा, ठीक है, चलेगा उसमें, है ना। इस तरह से आप अपने आपको रिलैक्स फ्री कराइए। जो चीज़ आपको स्ट्रेस फ्री कराती है वो चीज़ उस दिन आपको करनी है, ठीक है। बिफोर द एग्जामिनेशन ये याद रखना है कि ये लास्ट एग्जामिनेशन नहीं है, तो अपन को कुछ लोड नहीं लेना उसके लिए। अपन अपना बेस्ट करेंगे और बेस्ट हमेशा स्ट्रेस फ्री होके ही आता है। परफॉर्मेंस अगर बाहर निकलती है तो परफॉर्मेंस बाहर निकलेगी जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ बनाई है स्लाइड पे, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर फील्ड में लगेगा। बी कॉन्फिडेंट और बिलीव इन योरसेल्फ। अपने अंदर अपने विश्वास को जगाइए, अपने उस विश्वास को जगाइए कि हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। ऐसा कभी मन में नहीं मत लाना कि यार ये नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो गया आपके मन में, तक इतनी सी भी चीज़ आ गई कि यार ये नहीं होगा, तो डेफिनेटली मानिए कि वो चीज़ नहीं होगी। तो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने अंदर अपने विश्वास को जगाइए। सचिन को अपने अंदर विश्वास था कि वो खेल सकता है, तो उसने खेला और इतना अच्छा खेला कि वो टॉप, मतलब वर्ल्ड का, दुनिया का एक सबसे बेहतरीन क्रिकेटर माना गया, ठीक है। तो अपने अंदर विश्वास जगाइए। और एट लिस्ट आपको उस दिन 8 आवर्स, मैं तो कहता हूँ एक दिन नहीं, कम से कम 2-3 दिन पहले से आप 8-9 आवर्स का प्रॉपर स्लीप लीजिए, अच्छे से सोइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रिवाइज करने के चक्कर में 2-3 घंटे सो रहे हैं, जैसा कॉलेज टाइम में किया करते थे कि यार एक बिफोर द एग्जामिनेशन अपन पूरी रात पढ़ते थे। यहाँ वो चीज़ नहीं करनी है। ये कॉलेज वाले एग्जाम नहीं है बेटा, ये कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम है जहाँ स्ट्रेटेजी कुछ अलग चलेगी आपकी। तो एटलीस्ट आप 8 आवर्स का यहाँ पे क्या करिए, एटलीस्ट 8 आवर्स आप यहाँ पे प्रॉपर स्लिप लीजिए, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं आपसे कहूँगा कि प्रॉपर डाइट प्लान रखिए उस दिन, उस दिन से ही नहीं, कम से कम ये 5 से 5 to 7 days बिफोर अपन को प्रॉपर डाइट पे ध्यान रखना है, जिससे अपन को एग्जाम के पहले कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अपने पास नहीं आए। हैवी फूड मत खाइए,
हैवी फूड खाने से गैस का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और गैस का प्रॉब्लम होने से फिर आपके हेडेज का प्रॉब्लम जनरेट होता है, तो अपन को वो चीज़ पे ध्यान देना होगा। लाइट फूड खाइए, हेल्दी फूड खाइए, और उस दिन यही याद रखना कि अपन को हेल्थ इश्यूज नहीं होने चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसी कौन सी बात है जो एग्जाम के पहले हमें जिस चीज़ को कलेक्ट करके रखना है, कौन कौन से अपने पास वो हैं, तो अपने पास आप दो नए बॉल पेन यूज करो, ठीक है, ऐसा नहीं वो एग्जैक्ट नहीं हो, आप जो यूज करते आ रहे हो वो आप बॉल पेन ले सकते हो। एडमिट कार्ड, दो एडमिट कार्ड अपने पास रखिए अच्छे से, ठीक है, हाँ कलरफुल भी ले सकते हो एडमिट कार्ड, ठीक है, कलरफुल एडमिट कार्ड होगा तो बहुत अच्छा है। आईडी प्रूफ, आप एक आईडी प्रूफ की जगह दो आईडी प्रूफ रखो, तीन आईडी प्रूफ रखो, ठीक है, आईडी प्रूफ पे नहीं। और आजकल मास्क लगा के जाना प्रॉपर है, तो मास्क लगा के आप जाइए, अपने पास मास्क रखिए, हैंड सैनिटाइजर रखिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, आगे देखिए बेटा, कभी भी ये मत सोचो कि दिस नॉट दैट नॉट, ये अपने अंदर नहीं आना चाहिए। मैं इस पर डिस्कशन भी कर चुका हूँ कि कभी भी अपन को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, उस दिन अपन को इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो डोंट थिंक अबाउट कि दिस नॉट दैट नॉट, इस पर अपन बिल्कुल ही नहीं सोचेंगे उस दिन। और बेटा क्या शेड्यूल होना चाहिए डे बिफोर द एसएससी जेईई, तो आप सुबह इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं जो एक आइडियल शेड्यूल है, कि ब्रेकफास्ट करिए 9 AM, फिर अपने 10 to 12 AM रिवाइज करिए, फिर 2 घंटे रिलैक्स करिए, फिर लंच करिए, उसके बाद फिर रिवाइज, फिर रिलैक्स, फिर डिनर करिए, अपने सारे के सारे कलेक्ट द स्टफ, जितना भी आपका एडमिट कार्ड है, पेन है, जितने भी आप लेके जा रहे हो मास्क है, इन सबको अपने कलेक्ट करके टेबल पे रख लीजिए, उन टेबल पे रख लो अच्छे से, और प्रॉपर आप 10 o'clock सो जाइए। सुबह अपन को एग्जाम देने जाना है, तो उस तरह से अपन इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से अपने शेड्यूल को तैयार करिए, और इस तरह से अपने आप को तैयार करते रहिए कि एक दो दिन में जब भी अपना एग्जाम लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 day बिफोर ही है, मैं चाहूँगा कि आप इसे 2-3 दिन पहले से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ट्राई करिए कि कुछ प्राइवेट ओला कर लीजिए, कैब करके जाइए, किसी बस में मत जाइए, क्योंकि वहाँ बस में जाने से काफ़ी लोग आते हैं, तो अपन को थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अपन अपना प्राइवेट व्हीकल्स कर सकते हैं, कैब कर सकते हैं, वो कैब आपको वहाँ तक छोड़ देगा अच्छे से, आराम से भी रिलैक्स होके जाना। मैंने यही कहा ना कि पूरे दिन में ही अपन को रिलैक्स रहना है, तो ऐसी कोई चीज़ अपन को वहाँ नहीं करनी है जो अपन को रिलैक्स महसूस नहीं कर रहा है। तो आप टैक्सी कर सकते हैं, कोला कर लीजिए, यार आजकल तो बहुत सारे कूपन लगते हैं, कूपन कोड लगाइए, उसके यूज करिए, ठीक है, और इस तरह से आप कर सकते हो। तो बेटा गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक, आप जरूर अच्छा करेंगे, अपने अंदर विश्वास जगा के जाएंगे, तो आपका एग्जाम भी अच्छा होगा। और फिर हम मिलते हैं जब आपके एग्जाम के रिजल्ट के दिन, जब मैन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, तो हम यही चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे से करें। अभी आपका प्री है, प्री को अच्छे से दीजिए, फिर आप मेंस के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.